गुड मॉर्निंग। आज हम कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। सिलेबस में इन पांच बॉडीज को के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना इंक्लूड किया गया है, तो बारी बारी से इन फाइव बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहली बॉडी तो रिंग रॉड है, लेकिन सिंपलेस्ट रिंग है, तो मैं पहले रिंग बताऊंगा, उसके बाद फिर रॉड बताऊंगा। रिंग के नंबर वन रिंग, आई एम इंक्लूडिंग रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग can be understood as, let us consider a ring in the plane of the ground and the axis of rotation is this, it is passing through its center of mass। जो ring का center होगा वही ring का center of mass होता है। center of mass से pass हो रही है, ये सेंटर ऑफ मास है। बॉडी का जो मास है वो एक फिक्स डिस्टेंस आर पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसकी रेडियस आर है, मास एम है, और बहुत सारे छोटे छोटे मासेस हम डिफरेंशियल या एम वन एम टू ये सब कंसीडर करें, सिंपलेस्ट बॉडी रिंग ही होती है। और जब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिस्कस किया था, तो जब फिजिकली समझाने की कोशिश की थी, बॉडी किसी शेप में हो, किसी साइज में हो, लेकिन एम के स्क्वायर बताने के लिए हमने बताया था कि वो डिस्टेंस है जहाँ पे एक हाइपोथेटिकल है, एज्यूम्ड है, जहाँ पे सारा मास बॉडी का रिंग के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जिसकी रेडियस रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है। लेकिन रिंग अपने आप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का एक एग्जांपल है। अगर हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपको दिखाना पड़ता है। अगर आप नोट्स बनाएंगे, हमने इसके नोट्स नहीं दिए हैं, बहुत जरूरी नहीं थे इसलिए नहीं दिया। तो अब आप इसमें बहुत सारे मासेज हैं, एम मासेज हैं, जिनकी फिक्स डिस्टेंस आ रही है, तो आई इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर फॉर्मूला अगर लगाएंगे, आई इक्वल टू वन टू एम, तो इसमें आर आई इज कॉन्स्टेंट इक्वल टू आर। हम मासेज डिफरेंट मान भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम आई आर आई इक्वल टू आर वन इक्वल टू आर टू, बहुत सारे मासेस ले लेते हैं, आर एन इक्वल टू आर है। तो आप यहाँ आर स्क्वायर लिखें, जब आर कांस्टेंट हो गया तो हम इसको समेशन से बाहर ला सकते हैं, तो आर स्क्वायर सिग्मा आई हो एम आई हो गया। अब इसमें कोई दूसरी क्वांटिटी तो है नहीं, सिर्फ मास है। सिग्मा एम आई का मतलब आप अच्छे से जानते हो, ये एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डॉट 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 एम आई डॉट 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 एम एन, तो ये वैल्यू कैपिटल एम होती है। तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू एम और आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यही इसका कैलकुलेशन है, यही डेरिवेशन है। ये जो हमने निकाला है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है और प्लेन ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर। आपने व्हील्स देखे हैं, साइकिल, स्कूटर, ट्रेन, बस, कार,
रिंग फॉर्म में ही होते हैं। हाँ, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हम एक अप्रोक्सीमेशन के तौर पर बता रहे हैं, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मोस्टली यही होती है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। अब ये फॉर्मूला बेसिक, ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला टू बी कंसीडर्ड, बी कंसीडर्ड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। अब रिपीट नहीं करूंगा अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये हुआ, मैं आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझा के बता चुका हूं कि ये जो हमने निकाला है वो जेड एक्सिस के लिए फॉर्मूला है, ये आई जेड है क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग होता है। अगर हम इस डायमीटर के अबाउट निकालना चाहते हैं, मुझे लगा डायमीटर हमने नहीं शो किया है, थोड़ा सा किनारे हो गया है, तो आप दोबारा इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये डायमीटर के अबाउट है, एक्सिस अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर ये आई वाई कह सकते हो, डायमीटर ये भी है, ये आई एक्स कह सकते हो, बट द रिंग इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। जैसे कि आप एक ले लेते हो रेक्टेंगल, तो इसमें अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ये लोगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लंबाई में कुछ है, चौड़ाई में कुछ है, कोई मास कितना डिस्टेंस है पे है, कोई कितना डिस्टेंस पे है, कोई कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द जो भी प्लेन लेमना है उसमें तो बहुत ही दिक्कतें हैं, ये मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, तो ये वैसा यूनिफॉर्म नहीं है जैसा कि रिंग है। तो इस केस में आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड लगाते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका और कन्फर्म हो जाए नॉलेज। तो और दूसरी चीज, आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई, अगर हम कंसिडर कर लें तो आई प्लस आई इक्वल टू आई जेड, और आई जेड या आई इक्वल टू टू आई इक्वल टू आई जेड, और आई इक्वल टू आई जेड बाई टू। आई जेड इज एम आर स्क्वायर, देयरफॉर आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो एम आर स्क्वायर बाई टू आ रहा है, आइदर यू कंसीडर एज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एनी डायमीटर आप कंसीडर कर सकते हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्सिस लोगे तब भी वही होगा, ये एक्सिस लोगे तब भी वही होगा, क्योंकि थ्री मचमली परपेंडिकुलर लेनी है तो आप एक बार ये लोगे तो उसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, जो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, वही इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेकिन आई जेड एम आर स्क्वायर ही रहेगा। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू जानते हो तो एक सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पिछले वीडियो में बताया था, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस यहाँ पर एम आर स्क्वायर होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज आर, आई सी एम इज एम आर स्क्वायर बाई टू एंड दिस वन इज एम आर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको टच करने वाली एक्सिस जो कि पैरेलल है डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर निकले। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और जो भी वेरिएशंस हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसको करने जा रहा हूँ,
आप बहुत ही आसानी से इसको भी समझेंगे। फॉर्मूला कैसे निकलेगा, रिंग हमने क्लियर करा दिया है, अब हम लोग फिन रॉड लेंगे। फिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए लेट अस कंसीडर ए थिन रॉड। आपने रॉड देखी हुई है, एक लॉग मान लीजिए, एक लाठी मान लीजिए, आप अपने जो 12 इंच वाली स्केल होती है, 6 इंच वाली स्केल होती है, उसको रॉड मान लीजिए। ये रॉड है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस। फिर गलत बताएंगे, चलिए छोटी रॉड कर देता हूँ। तो ये रॉड है जिसकी लेंथ एल है, मास इसका कैपिटल एम है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पासिंग थ्रू जो वो लाउ पे ध्यान दीजिए, नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इतनी बातें हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक इक्वेशन या फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी में। चूंकि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ को सो किया हुआ है, तो हम इसमें आर नहीं लगाएंगे, सीधे यहां पर फॉर्मूला होगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एम। ठीक है, अब इसके लिए हमने एक छोटी सी स्ट्रिप कट करी जिसकी मोटाई डी एक्स है और इसका मास डी एम है और इसकी डिस्टेंस एक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये एक्स डिस्टेंस पे है और टोटल लेंथ एल है ही, और इसका फैलाव अगर हम इसको ओरिजिन से पास मानेंगे तो हम ये कहेंगे माइनस एल वाई टू से लेके प्लस एल वाई टू तक इसकी रेंज है। तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड एज पर सिचुएशन यू कैन कंसीडर माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू। कितना दूर हमने ये डी एम मास लिया है, एक्स स्क्वायर डी एम, ये आप अप्लाई करोगे। अब डी एम को हमें निकालना पड़ेगा, मास ऑफ द रॉड टोटल मास ऑफ द रॉड इक्वल टू एम, लेंथ ऑफ द रॉड इक्वल टू एल है, देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू एम बाई एल। दूसरे तरीके से आप यूनिटरी के मेथड से भी कर सकते हो, एल लेंथ की रॉड का मास एम है, यूनिट लेंथ का कितना होगा एम बाई एल। हमको निकालना कितना है, मात्र डीएक्स लेंथ की रॉड का मास, डीएक्स लेंथ की रॉड का कितना होगा एम बाई एल इंटू डीएक्स, और यही डीएक्स लेंथ की जो स्ट्रिप है उसी मास को हम डीएम कहेंगे। therefore dm इक्वल टू m बाई एल मास टोटल डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इंटू डी एक्स। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अब ये जो फॉर्मूला हम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये x में है, ये m में है, मतलब हम इसको dm को वहां से सब्स्टिट्यूट कर लें, ये इक्वेशन आपकी 1 थी, ये 2 थी,
substituting the value of dm from equation 2 into equation 1, we get, क्या मिलेगा आपको, यहां लिखता हूं, I equal to minus L by 2 to L by 2 x square m by L into dx. अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं मिटाता हूं। हम लोगों ने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना देखा, अब हम एक थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, देखिए जो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो और I इक्वल टू इंटीग्रेशन से बाहर आ गया m बाई एल। अब माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू को आप टू बाहर निकाल के जीरो टू एल बाई टू कर सकते हैं और ये होगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसी को हम देख सकते हैं, टू एम बाई एल बाहर, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री और लिमिट जीरो टू एल बाई टू। अब एक बार लिमिट एल बाई टू लगाएंगे, माइनस एक बार जीरो लगाएंगे, जीरो वाली जीरो आएगी, तो ये क्या आएगा, टू एम बाई एल एक्स क्यूब माने एल क्यूब बाई एट, एल क्यूब बाई टू इंटू टू इंटू टू तीन बार और इंटू थ्री, एक टू टू कैंसिल हो गया, एल से ये क्यूब कट के स्क्वायर हो गया, ये थ्री इंटू टू इंटू टू ट्वेल्व हुआ, क्या निकल के आ गया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। आप समझ गए ये कैलकुलस मेथड के फॉर्मूले का क्या वैल्यू है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि सिग्मा एम आर स्क्वायर के बजाय इंटीग्रेशन आर बाई डी एम, पॉइंट मास एम आई लेने के बजाय इसमें डिफरेंशियल मास डी एम लेते हैं, और जो आर होता है वो आर पहले की तरह है और सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन का साइन है, बस डिफरेंस इतना कर दिया गया है। अब चूंकि लेंथ वाइज बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमने एक एक्स एक्सिस कंसीडर कर ली थी, आर की जगह सिंपली वन डायमेंशन में एक्स ले लिया था, डी एम लिख दिया था, टोटल मास इस रॉड का हमने कैपिटल एम लिया था, लेंथ एल लिया था, यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल होगा, इसलिए डी एक्स लेंथ स्ट्रिप जो हमने इस लेंथ में से कट करी है उसका मास डीएम कहलाएगा, उसकी वैल्यू एम बाई एल इंटू डी एक्स होगी। इस एम बाई एल इंटू डी एक्स की वैल्यू को यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था और एम बाई एल इंटू डी एक्स आ गया था। हमने एम बाई एल को बाहर निकाला, लिमिट को चेंज किया, जीरो टू एल बाई टू बनाया और टू बाहर निकाला, सिंपली यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स हुआ और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन, आप लोग तो मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं हम, तो फिजिक्स ही फिजिक्स का भी बीएससी किया था, अब तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो एक्स बाई थ्री हो एक्स क्यू बाई थ्री हुआ और जिसकी लिमिट्स जीरो टू एल बाई टू लगाई, इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आ जाता है। यही हमको करना था और आपको समझना था, आप बुक से एक बार रिवाइज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हालांकि मैं एक बार करा चुका हूं, कई बार आप इसको समझेंगे तो आपको उसका थ्योरम्स ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का
जो यूज है एप्लीकेशन है वो भी समझ आएगा। हमने कुछ फिर एक बार रिवाइज करता हूं कि अगर हम इसके एक किनारे जिसका एग्जांपल मैं दे चुका हूं वही एग्जांपल दे रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कंसीडर करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है तो यहां इस सिचुएशन में एल बाई टू डिस्टेंस होगी इन दोनों एक्सिस के बीच की। तो इस एक्सिस सी डी के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग टू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। नाउ आई वांट टू कंसीडर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन रॉड अबाउट इट्स वन ऑफ द एंड्स। हमारा एंड ये भी हो सकता था, हमने यहां बना लिया, हमारे पास है, आसानी से ड्रॉ हो गया। तो आई अबाउट सी डी जो है क्या निकलेगा, आई सी एम प्लस एम और डिस्टेंस बिटवीन द टू एल बाई टू होल स्क्वायर। आई सी एम अभी हमने फॉर्मूला पहले से जानते थे, उसको हमने डिराइव करके देख लिया, कैलकुलेट करके देख लिया, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व है और यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई फोर निकलेगा, 12 एल सी एम आएगा, एम हमने बाहर निकाला, एल स्क्वायर एक टाइम यहाँ थ्री टाइम्स थ्री एल स्क्वायर आएगा तो ये 3 एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होगा, ये 4 हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर बाई फोर ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी एक्सिस के अबाउट निकल के आएगा। तो ये मत मान के चलिए जब भी वहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या डिस्क्रिप्टिव में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आप ये करें कि नहीं एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व ही होता है, यहाँ पे आप गलती कर बैठेंगे। क्वेश्चन में आप पहले तो फिगर रॉड है, हमने जान लिया कि रॉड में ये फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व लगना है, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ली जा रही है। हो सकता है कि यहाँ से एक किनारे से ये डिस्टेंस ले ली उसने, ये सपोज करते हैं ये यहाँ सेंटर से एल बाई फोर डिस्टेंस है, ये भी हमने बताया था। तो ये सी डी के बजाय इस ए बी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो आई ए बी क्या निकलेगा, इसको भी हम लोग करके देखते हैं, यहाँ पे करके लिख लेते हैं। आई ए बी जो निकलेगा फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी निकालेंगे, आई अबाउट एक्सिस ए बी विच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द थिन रॉड। तो उसमें आई सी एम और एम ए स्क्वायर या एम एच स्क्वायर की जगह पे एल की जगह एल बाई फोर होल स्क्वायर लिखेंगे। आई सी एम आपकी है एम एल स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व और प्लस एम एल बाई फोर का मतलब हुआ एल स्क्वायर बाई सिक्सटीन, इसमें 48 एल सी एम आएगा, एम बाहर आ जाएगा, फोर टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 एल स्क्वायर प्लस इसमें 3 आएगा 3 एल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 7 एम एल स्क्वायर बाई 48। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा इस एक्सिस ए बी के अबाउट इस थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का किसी तरीके से है, इस एक्सिस के अबाउट मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस रॉड के मैटर का अलग तरीके से हो जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑल्सो चेंजेस विद द चेंज इन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ध्यान रखें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे मुंह से अभी निकली है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेज
की रोल, मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं, ये की रोल है, जब तक ये की नहीं लगाओगे तो लॉक नहीं खुलेगा। तो जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले की लगाइए। की लगाने का मतलब है उस प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई कीजिए पहले तो ताला कौन सा है, यानी कि बॉडी रॉड है, रिंग है, स्पीयर है या डिस्क है, जो पांच बॉडीज आपके सामने रखी गई हैं। तो द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेज द की रोल इन द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरी बात हमने जो इम्पोर्टेंट मुंह से निकाली थी उसको मैं लिख के बताता हूँ ताकि ये चीजें निश्चित रूप से ना भूलें। मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ, आपको करना सिखा दिया है, आप अपने पीछे जो चैप्टर के पीछे प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसमें आप उसको पढ़िए, पहले सॉल्व पढ़िए, फिर अनसॉल्व करने की कोशिश करिए। धीमे धीमे आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस जो कटी हुई थी उनका इस्तेमाल करना भी आएगा और थ्योरम्स को समझना भी आ जाएगा। दूसरी चीज हमने कहा कि एट द चेंज ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, माने आपने रोटेशन एक्सिस को चेंज कर दिया किसी भी बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप निकाल रहे हो किसी भी बॉडी का, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने पे कोई ना कोई थ्योरम इस्तेमाल हो जाती है, आइदर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और ए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी हैं। अब मैं आपको तीसरी बॉडी है, दो बॉडीज का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बस डिस्क और अभी कर लेते हैं, स्फीयर और सिलेंडर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ MI, MI means moment of inertia of a disc, ये हम लोग आज और कर लेते हैं। Let us consider a disc. This is disc. कुर्सी बन गई है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा उठा देता हूँ तो इक्वल टाइप आपको दिखेगा। अब इसका सपोज करते सेंटर यहाँ पे है, यहीं पे इसका मास है सिचुएटेड, और इसके प्लेन ऑफ द डिस्क के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पाने पास होने वाली ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे वैसे कायदे से लिखना चाहिए, हम जो कैलकुलेशन दिखाने जा रहे हैं ये बेसिक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने की, अबाउट एन एक्सिस ये हमें डिफाइन करनी होगी। हमने की कहा तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट देना भी चाहिए, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन।
कम लिखने की वजह से मैंने परपेंडिकुलर बनाया है। अपने नोट्स में यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाने के बजाय आप परपेंडिकुलर वर्ड्स में लिखिएगा, परपेंडिकुलर टू एक्स। अब देखिए कि इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आप देख रहे होंगे, मैं चौक पकड़े हूँ, ये डिस्क को सर्कुलर हमने बनाने इमेजिन करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो अब उसमें तो लंबा लंबा फैला हुआ था, रॉड के केस में हमने एक स्ट्रिप ले ली थी, लेकिन इसका जो मास फैला हुआ है वो पूरे ही फैला हुआ है, रिंग नहीं है, आप डिस्क को अच्छे से जानते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि एक डीएक्स थिकनेस की एक रिंग नुमा स्ट्रिप कंसीडर करनी होगी, जिस वैसे तो रेडियस इस डिस्क की आर है, लेकिन जो हम स्ट्रिप ले रहे हैं उसकी रेडियस एक्स है और इसकी जो थिकनेस है वो डीएक्स है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बताया है कैलकुलस फॉर्म में, आई इक्वल टू आर स्क्वायर डीएम, ये तो बताया आपको। तो यहां पे हमने एक्स रेडियस एज्यूम करी है, प्लेन जो डिस्क का है वो एक्स वाई प्लेन में लिया था तो सिर्फ एक्स ले लिया है, कहिए तो मैं तिरछा बनाने के बजाय यहां पे एक्स को दिखा देता हूं, तब आपको एक्स आराम से समझ में आ जाएगा, ये एक्स हो गया और इसकी मोटाई जो है वो कहीं भी दिखा देता हूं, मोटाई तो ऑल अराउंड है, ये डी एक्स थिकनेस है, आर स्क्वायर डीएम होता है, इंटीग्रेशन लगता है। तो यहां की सिचुएशन के हिसाब से फ्रॉम द फिगर डिस्क्रिप्शन वी कैन फ्रॉम द सिचुएशन या जो भी आपके बुक में भाषा है उसको लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए जो मेरे समझ में आ रही है वो बोल रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ। फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन राइट इट I equal to x square dm। अब जो x है वो कहां से कहां तक फैला है, जीरो से लेके r तक, ये भी हमने यहां पे डिफाइन कर दिया, वो माइनस एल वाई टू टू प्लस एल वाई टू था रॉड के केस में, यहां जीरो से डिस्क के अराउंड जीरो से लेके r तक मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटे छोटे पार्टिकल या छोटी छोटी स्ट्रिप की बनी हुई बॉडी हम कंसीडर करते हैं। कैलकुलस के हिसाब से हम छोटी छोटी सी स्फेरिकल जो सेल्स हैं, रिंग्स हैं, उनको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे ये सरफेस एरिया वाइज फैला हुआ है, तो आप टोटल मास इसका एम कंसीडर कर लीजिए, रेडियस आर है तो एरिया ऑफ द रिंग सरफेस, सॉरी डिस्क सरफेस, रिंग नहीं है ये, डिस्क सरफेस, डिस्क सरफेस क्या होगी आप अच्छे से जानते हो, पाई आर स्क्वायर। यहां पे हम सरफेस एरिया सॉरी जो जिसका जो स्ट्रिप हमने लिया है इसका मास डीएम कंसीडर करना है, तो टोटल मास इज एम, टोटल मास ऑफ द डिस्क, टोटल मास ऑफ द डिस्क इक्वल टू एम, टोटल एरिया ऑफ द डिस्क सरफेस, टोटल एरिया ऑफ द डिस्क सरफेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये इस एरिया को हमें समझना है, इस एरिया को समझना है, इसके लिए मैं दोबारा फिगर बनाता हूं। ये कोई स्फेरिकल सर्कुलर डिस्क बनाता हूं, हालांकि है तो टेंड्स टू जीरो उसकी थिकनेस, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ी सी चौड़ी बनानी पड़ेगी। ये मोटाई जो है इसकी dx है और इसकी रेडियस x है, ठीक है। मैं आपको बता दूं dx जब थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसमें इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस इस्तेमाल नहीं की जाती। तो सर्कमफ्रेंस इसकी क्या होगी, सर्कमफ्रेंस
इसकी परिधि, हिंदी मीडियम वाले, इसकी परिधि होगी 2πx। इस परिधि या सर्कमफ्रेंस को जब हम इसकी मोटाई dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यही लिखने में भाषा इस्तेमाल होती है, हमने सेव कर दिया, जो शेडेड एरिया है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, शेडेड रीजन इक्वल टू 2πx इंटू लेंथ, यानी पतली पतली सी, इसको हम फैला के लंबा लंबा एक स्ट्रिप नमा फैला दें तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी मोटाई dx है, उसकी लंबाई जो है 2πx है। तो अब इसकी जो एरिया निकालोगे, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2πx dx। इस तरीके से हम एक जो स्ट्रिप के रूप में डिफरेंशियल जो है एलिमेंट कंसीडर किया था, है ना, डिफरेंशियल मास कंसीडर किया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 2πx dx मेरे समझ में जो आ रहा था सरल से तरीका, वो मैंने आपको समझाया। तो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो मास पर यूनिट, जैसे मास पर यूनिट लेंथ लिया था, देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर का मास एम है, एक यूनिट एरिया का मास कितना होगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो मास पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर द मास डीएम, इसको माना है, दैट इज ऑफ एरिया 2πx dx हमने माना है, जिसका हम डीएम मास बता रहे हैं, उसका सरफेस एरिया 2πx dx है, कितना होगा, जैसे m अपॉन l इंटू आपने dx कहा था, यहाँ पे m अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx की जगह पे 2πx dx, क्योंकि यहाँ पे एरिया इस्तेमाल किया गया 2πx dx, यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर यूज किया गया है, वहाँ पे लेंथ वाली जो रॉड थी उसमें सिर्फ लेंथ यूज करी गई थी। तो ये एक्चुअली ये हुआ जाके, अब इस इक्वेशन में मैं ये सब मिटाई दे रहा हूं, हमने केवल डीएम निकालना है, बहुत आसान होगा, दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, कि सबसे आसान टॉपिक्स की तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर डीएम में करना क्या है, ये निकलेगा 0 to r एक्स स्क्वायर डीएम की जगह एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dx, इसमें पाई पाई कैंसिल, और जो कांस्टेंट चीज है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, इसको भी मैं मिटाई दे रहा हूं ताकि आगे इसका स्टेप लिखा जा सके। आप देखिए, और i इक्वल टू m 2m अपॉन r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2m अपॉन r स्क्वायर, यहां बचा 0 टू r एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू, ये सब बाहर जा चुका है, तो ये बचा है एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, अब इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर, और एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4, 0 टू आर लिमिट लगाएंगे 2m अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड क्लासरूम की तरह बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करना ही पड़ेगा, अपने घर में इतना बड़ा बोर्ड नहीं लगाया जा सकता। तो ये हुआ जाके आई इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर
ये कॉपी कर लेते हैं, एक्स टू दी पावर फोर अपॉन फोर जीरो टू आर, आर टू दी पावर फोर अपॉन फोर हो जाएगा तो टू एम अपॉन आर स्क्वायर, आर टू दी पावर फोर अपॉन फोर, टू से ये टू हुआ, आर स्क्वायर से ये स्क्वायर बचा, इक्वल टू एम आर स्क्वायर बचा, नीचे टू बचा और I equal to half m r square. This is the way to calculate the moment of inertia of a disk. आपने देख लिया. अब हमने तीन चीजों को किया है complete. अब फिर मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा इस केस में भी theorems को और आज इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना सफिशिएंट माना जाएगा. तो अभी हम फिर डिस्क बनाते हैं. जितनी बार चीजों को सुनोगे उतनी ही स्ट्रांग होगी. इसलिए वीडियो को देखिए, बुक से पढ़िए, थोड़ा भी डाउट है फिर वीडियो देखिए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करिए. प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो फिर वीडियो देखिए और फिर जो भी होगा तो प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करानी करानी है. तो ये इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी, डिस्क का मास एम है और इसकी रेडियस आर है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर बाई टू निकला था, यही आई सी एम माना जाएगा. अब अगर इसके सर्कमफेरेंस को टच करते हुए कोई डिस्क लेते हैं तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये ए बी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है. तो इस एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होगा वो आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर होगा. आई सी एम यहां पर एम आर स्क्वायर बाई टू है और ये एम आर स्क्वायर है. तो आई ए बी जो एक्सिस है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिखाई दे रहा है थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर. अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लग जाएगी. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about the axis of diameter, मतलब निकल गया ये डायमीटर के अबाउट, मैंने उसी प्लेन में हो गई, ये डिस्क है. अब मैं सामने सामने बनाता हूँ, इसके बैकग्राउंड में आप समझ लीजिए कितना मैटर है और इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ या इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ जो डायमीटर से पास हो रही है. इसके अबाउट ये रिंग की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डिस्क रिंग में, और इसमें यही फर्क है कि रिंग में सिर्फ रेडियस पे ही सारा मास, रेडियस रेडियल डिस्टेंस पे ही सारा मास डिस्ट्रीब्यूट होता है और रिंग डिस्क में मास जीरो से लेकर सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है वो जेड एक्सिस के अलोंग निकाला है, प्लेन ऑफ द डिस्क के परपेंडिकुलर. लेकिन अब हम डायमीटर के अबाउट निकालना चाहते हैं. इसको आप आई एक्स कह सकते हो, ये आई वाई कह सकते हो रिंग की तरह. यहाँ पे चूंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई, ये हमने अज्यूम कर लिया है. इसको हम ब्रैकेट में से कह सकते हैं. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इसमें लगानी पड़ेगी क्योंकि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आपकी कहती है कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में एक प्लेन के अबाउट जो भी दो एक्सिस होती हैं उनके अबाउट आई एक्स और आई वाई डिफाइन किए जाते हैं और जो परपेंडिकुलर है वो आई जेड डिफाइन किया जाता है. और उसमें हम बताते हैं कि जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का होता है वो आई एक्स प्लस आई वाई होता है.
आई एक्स को आई वाई इक्वल टू आई माना है तो टू आई हो गया इक्वल टू आई जेड और आई इक्वल टू आई जेड इक्वल टू आई जेड है एम आर स्क्वायर बाई टू तो उसको दो बार एक टू से डिवाइड करोगे तो एम आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये इस एक्सिस के अबाउट आ रहा है एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर बाई फोर। ये आप ड्यूटी देख रहे हैं थ्योरम को इस्तेमाल करें। तो आपने जो रटा है फॉर्मूला आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू वो सिर्फ सिर्फ डिस्क के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का फॉर्मूला है। अगर हम डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई फोर उसका फॉर्मूला होगा। अब इसी बात थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो आपने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इस्तेमाल करी है और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। एक ऐसी भी एक्सिस आप आई ए बी एक्सिस ले सकते हो या सी डी एक्सिस ले सकते हो पी क्यू एक्सिस ले सकते हो जो कि पैरेलल टू डायमीटर है। डायमीटर एक्सिस के डिस्टेंस हो गई यार तो इसमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी डिस्क का निकलेगा आई अबाउट ए बी एक्सिस एज शोन इन द फिगर इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। यहां पे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू ना होके एम आर स्क्वायर बाई फोर है। ये भी सेंटर ऑफ मास से जो डायमीटर से पास हो रही है प्लेन बस बदल गया है लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो आई सी एम है एम आर स्क्वायर बाई फोर और ये एम आर स्क्वायर है। तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा दैट इज द एक्सिस passing through its circumference touching point and parallel to the axis passing through its center of mass that is diametric axis के about moment of inertia के parallel है तो ये 5 mr square होता है। मुझे लगता है कि आपको बस इतना ही करना चाहिए प्रॉब्लम को लगातार करना शुरू कर देना चाहिए सॉल्व देन अनसॉल्व बुक से प्रैक्टिस करें सब्जेक्ट को समझने की जो हमने पढ़ाया है उसके बाद वीडियो देखें कंफर्म हो और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करें। फिर जब प्रॉब्लम आएंगी तो प्रॉब्लम्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूँ तीन टॉपिक हो गए जो बचे हुए हैं स्फीयर और सिलेंडर इनको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।